सत्तर साल से ज़्यादा आज़ादी के जो हुए हैं इसमें किसी का योगदान नहीं है और मतलब आज अचानक ही आज हम और आप यहाँ टीवी पर चर्चा कर रहे हैं टीवी ऐसे ही आ गया मोबाइल ऐसे ही आ गए देश में सड़कें ऐसे ही बन गई देश में प्रगति बाकी हज़ारों चीज़ों की हुई है ये कोई एक व्यक्ति की नहीं है मिली जुली जैसे प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं लेकिन कहनी और कथनी में बहुत फ़र्क है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से आज देश में जो भी माहौल है अगर हर आदमी कहेगा कि किसी का योगदान इसमें है ही नहीं मेरा ही योगदान है तो कहीं ना कहीं समझदार जो भी राजनेता है उन्होंने इस बात का हिदायत देना ये जरूरी है और ये देश के नागरिकों को आपको देश के नागरिकों को थी? नहीं मैं आपको इसलिए कह रहा हूं देश के नागरिकों और खास करके जो युवा वर्ग है जो वर्ग जो अठारह साल बीस साल के हैं जिनको बहुत कुछ एक्सपोजर अभी दुनिया का अभी होना बाकी जी, है तजुर्बा होना बाकी है उनको कहीं ना कहीं तो हमारे देश की विरासत संस्कृति और देश में किए हुए कामों की अब कल कहेंगे कि आजादी भी हम लोगों ने ही प्राप्त कर ली अब अरे भाई इतने साल में जिन लोगों ने त्याग बलिदान किया तपस्या की जी उनका, उनका कुछ तो मतलब हम लोगों ने सम्मान करना चाहिए चाहे मेरे उनके साथ मतभेद क्यों ना हो, आ, आप, कह पर, हो? आप कह रहे हैं कि पर मतभेद क्यों ना हो पटेल साहब आप कह रहे हैं कि वहां पर थोड़ी गरिमा लांगी गई नहीं कहना चाहिए था पंडित नेहरू के बारे में गरिमा तो हमेशा देखिए जितना बड़ा पद होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर जी जी और उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी को निभाना यह आपका कर्तव्य बनता है मैं एक और सवाल पूछता हूँ देश में गरिमा की राजनीति जब तक हम नहीं करेंगे कई बार मेरे जैसे लोगों को भी हम लोग मतलब थोड़ा पीछे क्यों रहते हैं क्योंकि हम लोग हमारी एक गरिमा और हमारी एक जो मर्यादा है लक्ष्मण रेखा को कभी पार करने की कोशिश मैं अगर यहाँ आपके शो में अगर दो चुच्चे बयान दे दूंगा तो मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया और आपके टीवी में सबसे ज्यादा टीआरपी अगर मेरे टुच्चे बयान की ना आए तो मैं बता दूं। मगर कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को तो जिम्मेदारी से रहना पड़ेगा ना आप दिन भर आपकी चौपाल में आप देख लेना टीआरपी वाले टीआरपी वाले नेता भी आने वाले हैं आपके मैंने देखा लिस्ट में कौन कौन आने वाले हैं मैं नाम नहीं लेता किसी का